नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहली जो यहां पर अपडेट है वो आई है, ये जो आपको विज्ञप्ति है जो कि PNP के द्वारा उनके ऑफिशियल यहां पर जारी की गई, लेकिन यहां पर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती इसलिए यहाँ पर नहीं है। इस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया है कि OMR सीट पे जो आप परीक्षा देते समय जो आपने OMR सीट फिलअप की है उसमें अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती की है, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने अथवा त्रुटि अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाए, ऐसा निर्देश दे दिया गया है। अगर उसमें आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती की है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है और ना ही उन अभ्यर्थियों का कोई रिजल्ट घोषित किया गया है। तो और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी आपने कोई गलती की है तो इसके लिए आप कार्यालय में ज़्यादा आप वहाँ पर कॉल वगैरह ना करें, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जाएगा और विभाग या अन्य किसी व्यक्ति को इससे संबंधित कोई भी पैसा ना दें क्योंकि यह संभव नहीं है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं, साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है आप इसमें गलतियाँ नहीं कर सकते हैं वरना आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है 68,500 जिला आवंटन का, जो मैंने आपको बताया था कि रिजर्व आदेश आने वाला है वो आ चुका है, उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। पहले भी बहुत सारे आदेश आए हैं, उन सभी आदेश को खारिज किया जा चुका है, फिलहाल इस आदेश को भी खारिज कर दिया गया है। तीसरी जो अपडेट निकल कर आई है 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो है शिक्षा मित्र केस, जो कि अपीलें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें शिक्षा मित्रों के आपसी विवाद के चलते ऐसा सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार मीडिया के माध्यम से भी ये न्यूज़ आ रही है कि शिक्षा मित्रों के आपसी विवाद के कारण उन अपीलों को शिक्षा मित्र वापस ले रहे हैं। और ऐसी भी सूचना वहाँ पर विभिन्न मीडिया कर्मियों के द्वारा वायरल है कि रिजवान अंसारी भी इस परीक्षा में पास हो चुके हैं, इसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उसके चलते ये सभी केस वापस लिए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है, भर्ती एक जो रास्ता एक बार फिर से प्रशस्त हो गया है और भर्ती लगातार होती रहेगी और जल्द ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित होंगे। तो ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।